100 सालों तक लोगों ने शायर तस्लीम नहीं किया। जब 1936 में तरक्की पसंद तहरीक प्रोग्रेसिव राइटिंग प्रेमचंद ने जो बुनियाद रखी तो हुआ कि आवाम के एहसास को जज्बात को जिस अदीब व शायर ने तेरी कालिम में अदब में तब्दील किया है उसकी तलाश की जाए उसमें पहला शायर नजीर सामने आया और नजीर अकबादी पर लिखा जाने लगा, गुफ्तगू की जाने लगी, बातें होने लगी और नजीर को प्रोजेक्ट किया जाने लगा। इसीलिए मैं बुनियादी तौर पे नजीर को हिंदुस्तानी तहजीब व तमद्दुन यानी संस्कृति सभ्यता और संस्कृति का दर्पण मानता हूँ। नजीर की शायरी भारतीय सभ्यता और संस्कृति बदलती हुए सामाजिक जीवन का चित्रण है। उनके यहाँ जो कृष्ण पे कन्हैया पे राम पे जो नज़्में हैं या इलाकाई मेरे ठेले बोली समाज की जो रस्म रवायत उस पे जो शायरी हुई है जब आप उसका मुताला करेंगे तो आपको एहसास होगा यानी मुखातिब कहते हैं सामने वाला, जो सामने वाला था वो कौन था? जनसाधारण जिसको आप कह सकते हैं जनवाणी। इसलिए उसने लोक वाणी के जरिए लोक गाथाओं को शेर की काले में ढालने का काम किया। इसलिए वो किसी भी भाषा का हिंदुस्तान का हो आप नजीर अकबर आबादी खासकर के जो भाषा शास्त्र के शिक्षक हैं छात्र हैं वो नजीर के बगैर आगे नहीं बढ़ पाए। लाजमी है क्योंकि अदीब या फनकार अपने समाज में रूनमा होने वाले तमाम चीजों से मुतासिर होता है। यही वजह है कि दक्कन की शायरी में दिल्ली की अतरा और दिल्ली की शायरी में गमो अलम के साथ साथ वारदाते कंदिया का इजहार मिलता है और फिर यही शायरी लखनऊ पहुंचती है तो वहां ऐश पसंदी और जिनसी रुझान नजर आता है। कहने का मतलब यह है कि हर दौर का अदब अपने दौर के तहजीब व माशरत को पेश करता है। उर्दू शायरी में हिंदुस्तानी तहजीब और सकाफत को पेश करने की एक बड़ी वजह यह भी है कि उर्दू अपनी असल के एतबार से खालिस हिंदुस्तानी जबान है। इसमें हिंदुस्तानी तहजीब व सकाफत के रंगारंग अनासिर सिमट आए हैं और इसी वजह से एक मखलूत कल्चर की जबान समझी जाती है, मिली जुली जबान। उर्दू पर ये नहीं कहा जा सकता कि ये खालिस अरबी और फारसी आमेज अल्फाज है। शुरू से तमाम जबानों को उर्दू ने अपने अंदर समोने की कोशिश की है। यही वजह है कि ये मुश्तरका कल्चर की जबान समझी जाती है। उर्दू हिंदुस्तानी कौमी तहजीब की एक जिंदा और नुमाया अलामत बन गई है। लसानी सतह पर उर्दू ने अरबी और फारसी की तरह संस्कृत और हिंदी के अल्फाज को भी कुछ रद्दो बदल के साथ अपने दामन में समेटा है। उर्दू शायरी में हिंदुस्तानी तहजीब और सकाफत के अनासिर शुरू से मिलते हैं। अमीर खुसरो के कलाम और लबो लहजे में हिंदुस्तानी तहजीब की रूह धड़क चुकी महसूस होती है। अमीर खुसरो को हिंदुस्तान की मिट्टी से ऐसा प्यार हो गया था कि जगह जगह अपने हिंदुस्तानी होने पर फख्र महसूस करते हैं। उर्दू के पहले साहिब दीवान शायर कुली कुतुब शाह के यहाँ औरत के मुख्तलिफ रंग और उसकी तरफ से इजहार इश्क दिया सहेली मीरा मदन मोहन सजन का जिक्र जो है वो दरअसल मुश्तरका तहजीब की ही निशानदेही करता है। हिंदुस्तानियत और कौमियत के शऊर को परवान चढ़ाने में उर्दू शोरा ने बहुत ही अहम खिदमत अंजाम दी है। हिंदुस्तान के तमाम मजाहिब को ज़हनी तौर पर एक जगह लाने में तसव्वुफ का भी बड़ा हाथ रहा। इस हवाले से मीर दर्द का नाम सर फहरिस्त है। सौदा ने भी तसव्वुफ के मसाइल को हिंदुस्तानी तहजीब व रवायात से हमआहंग कर दिया। मीर तकी मीर अमली तौर पर भी हिंदुस्तानियत का मुकम्मल शऊर रखते थे। उन्होंने कल्चरल इतिहाद की तामीर में अहम हिस्सा लिया। लेकिन जहाँ तक नजीर अकबर आबादी का ताल्लुक है तो नजीर अकबर आबादी उन तमाम शोरा से बिल्कुल अलग नजर आते हैं और उनके यहाँ मुश्तरका कल्चर और हिंदुस्तानी सकाफत को अपनी शायरी में इस तरह से पेश किया है कि लगता है कि वो खालिस
हिंदुस्तान और उसकी जमीन और उसकी मिट्टी से उसे खास लगाव था और वो आंखों की लाज। बाकी सजधज आंख अनूठी, भोली सूरत शोक मिजाज, नजरों में खुलखेल लगावट, आंखों में शर्माना है। हमने पूछा कल ना आए किस लिए। अब नजीर की शायरी की एक जो मनफी पहलू है वो ये है कि उसमें बहुत ज्यादा शेरियत नहीं है, आहंग नहीं है जो फौरन हमें मुतवज्जो करे। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, हमने पूछा कल ना आए किस लिए, पांव की मेहंदी दिखाकर हंस दिया। अब सिर्फ पांव की मेहंदी दिखाकर अब हंस देना जो है पूरी मानवीयत को पेश कर देता है। अब उसकी किसी तशरीह की गुंजाइश जो है वो यहाँ पे नहीं है। तो ये बड़ी खूबी थी नज़ीर की। उर्दू गज़ल के महबूब का ताल्लुक हिंदुस्तानी तहजीब से गहरा है, उसका ताल्लुक हिंदुस्तान की मिट्टी की खूबास और यहाँ की फिजा से है। नज़ीर अकबर आबादी की दुनिया आरजुओं और उम्मीदों के सहारे आबाद है। उनके यहाँ हयात व कायनात की हकीकत और फलसफा व हिकमत की बातें भी मिलती हैं। चंद शेर देखिए कि जिंदगी वो मर्ग भी क्या है, एक मिसल ख्याल दीगर ख्वाब, सब किताबों के खुल गए मानी, जब से देखी नज़ीर दिल की किताब। तो ये नज़ीर है। नज़ीर अकबर आबादी ने कृष्ण जी की शान में जो कुछ लिखा है वो बेमिसाल है। उर्दू में कृष्ण जी के बहुत से नाम मिलते हैं जिनमें गोपाल, मनोहर, घनश्याम, श्याम, मनमोहन, मुरारी, बिहारी, मुरलीधर, कुंज बिहारी, नंदलाल और बनवारी वगैरह अहम हैं। एक बंद मुलाहजा कीजिए नज़ीर का, मैं क्या क्या वस्फ कहूँ यारो उस शाम बिरल अवतारी के, मैं क्या क्या वस्फ कहूँ यारो उस शाम बिरल अवतारी के, शिक्षण कन्हैया मुरलीधर मनमोहन कन बिहारी के, गोपाल मनोहर शाम लिया घनश्याम अटल बनवारी के, नंदलाल दुलारे सुंदर छप ब्रिज चंद मुखट छलकारी के। तो ये बिल्कुल वो जबान वो बोली जो समाज और माशरे का हिस्सा था उसी में वो शायरी कर रहे थे। और इसीलिए जो बड़े बड़े दबिस्तानों के मालिक बैठे हुए थे दिल्ली में लखनऊ में वो इनको शायद तस्लीम नहीं करते थे कि इनकी जबान जो थी वो उस मेयार की नहीं थी जो उस वक्त एक मेयार कायम करने की कोशिश की गई थी। हम उर्दू वाले जानते हैं कि बहुत कई दौर में जो है इस्लाह ज़बान की भी तहरीक चली थी और उससे उर्दू ज़बान को जो है फ़ायदा होने से ज़्यादा नुकसान हुआ है, जिसका एतराफ़ आज हम करते हैं। चंद अशआर और देखें आपके, सब मिल के यारो कृष्ण मुरारी की बोलो जय। अब इसको उर्दू आप कैसे कहेंगे, ये एक ऐसी ज़बान है जो अवामी ज़बान है और किसी भी ज़बान के साथ आप इसको जोड़कर देख सकते हैं। सब मिल के यारो कृष्ण मुरारी की बोलो जय, गोविंद छेद छंद बिहारी की बोलो जय, वो चोर गोपीनाथ बिहारी की बोलो जय, तुम भी नज़ीर कृष्ण बिहारी की बोलो जय। तो इस तरह की जो है उनके यहाँ अब कृष्ण जी की बांसुरी पर भी उनके यहाँ जो है वो शायरी मिलती है। यानी कृष्ण जी पर शायद सबसे ज्यादा अगर किसी ने शायरी की होगी तो वो नज़ीर अकबर आबादी है। बांसुरी के हवाले से वो कहते हैं, मोहन की बांसुरी के मैं क्या क्या कहूँ जतन, मोहन की बांसुरी के मैं क्या क्या कहूँ जतन, लय उसकी मोहनी है तो धुन उसकी चित हिरन, उस बांसुरी का आन के जिस जा हुआ वचन, क्या जल पवन नज़ीर पखेरू वो क्या हिरन, सब सुनने वाले कहे उठे जय जय हरी हरी, अपनी ऐसी बजाई कृष्ण कन्हैया ने बांसुरी। तो ये नज़ीर अकबर आबादी की नज़ीर अकबर आबादी को किसी भी शेरी दबिस्तान से वाबस्ता नहीं किया जा सकता। मैंने पहले भी कहा कि ये दबिस्तानों को मानते भी नहीं थे। वो अपने रंग का मुअज्जिद भी था और खातिम भी, यानी उसने वो रंग शुरू भी किया और उस वो रंग जो है उनके साथ खत्म भी हो गया। वो जिंदगी और उसके हंगामों से प्यार करने वाला मस्त कलंदर है, इसलिए उन्होंने ककड़ी, तरबूज, भंग, रीछ का बच्चा, खिल का लड्डू, बरसात, तैराकी का मेला, दिवाली, बसंत वगैरह ऐसे मौजूआत हैं जो उस अहद के शेरी मिजाज के खिलाफ है। दखनी शोरा में कुली कुतुब शाह के यहाँ ये रंग जरूर नजर आता है जिस पर मैंने पहले बात की, लेकिन नज़ीर
इसलिए उससे अलग है कि नज़ीर जो था वो एक अवामी शायर था, वो अवामों के बीच रहता था। तो नज़ीर की नज़मों की तरह गज़लों में भी मुकामी रंग और धरती की गुबास जो है हमें मिलती है। वो हिंदुस्तानी जो तरबीहात हैं मौसमों को, मेलों को और यहाँ की चीज़ों को, यहाँ के त्योहारों के साथ साथ जो इस समाज और मुआशरे में जिससे वाबस्तगी थी उसको बड़े कायदे से पेश करते हैं। हिंदुस्तान में श्री कृष्ण की शख्सियत एक ख़ास अजमत व अहमियत की हामिल है। नज़ीर ने श्री कृष्ण पर काफ़ी नज़में लिखी हैं जिनमें जगह जगह मुकामी रंग भरा हुआ है, यानी जो इलाकाई रंग था। कृष्ण जी के बचपन पर जो नज़्म नज़ीर ने लिखी है वो न सिर्फ उर्दू में बल्कि हिंदुस्तान की दूसरी जबानों के लिए एक मिसाल है। श्री कृष्ण का छुप कर दूध मक्खन और मलाई खाने का मंजर यूं पेश किया है, मुलाहजा कीजिए। थे जो गवालिनों के लगे घर से जा बजा, जिस घर को खाली देखा उस घर में जा फिरा। माखन मलाई दूध जो पाया सो खाया, कुछ खाया कुछ खराब किया कुछ गिरा दिया। ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन, क्या क्या कहूँ मैं किशन कन्हैया का बालपन। दरअसल हिंदुस्तानी तहजीब और सकाफत की जब हम बात करते हैं, कल्चर और सिविलाइजेशन की जब बात करते हैं, तो अलग अलग तलमीहात होती हैं जो हमारे समाज में हमारे माशरे में बोली जाती हैं, और उसको जब शायर और अदीब अपनी शायरी में पेश करता है तो उससे जोड़कर हम ये कह पाते हैं कि ये दरअसल खालिस हिंदुस्तानी शायर है, खालिस हिंदुस्तानी तहजीब और सकाफत को पेश करता है।